दोस्तों 1997 में दूरदर्शन पर टेलीकास्ट हुए शक्तिमान को कौन नहीं जानता, जिसने दूरदर्शन पर उस वक्त धूम मचा दी थी। वेल, उस वक्त शक्तिमान का क्रेज बच्चों में इतना जबरदस्त था कि बच्चे शक्तिमान को देखने के लिए स्कूल तक से बंक मारकर शक्तिमान देखा करते थे, और जिसके आखिरी में शक्तिमान बच्चों को अगर अपना संदेश भी दिया करते थे, जिसमें शक्तिमान बच्चों को अच्छी अच्छी बातें बताया करते थे और बच्चे उस बात का अच्छे से पालन भी किया करते थे। पर क्या तब आपने कभी गौर किया था कि शक्तिमान की शुरुआती एपिसोड में जब शक्तिमान पहली बार शहर में आता है, तब शक्तिमान के कॉस्ट्यूम में एक कॉलर हुआ करता था, जिसे बाद में हटाकर गोल गले वाले कॉस्ट्यूम से रिप्लेस कर दिया गया था। इसी के साथ स्टार्टिंग में शक्तिमान के सीने पर बने अनाहत चक्र, जो हमारे कुंडलिनी के नीचे से चौथे नंबर पर मौजूद होता है, उसका निशान शक्तिमान की पीठ पर मौजूद नहीं होता था, जिसकी वजह से शक्तिमान की बैक सूनी सूनी सी लगती थी, पर बाद में उसे भी अनाहत चक्र से भर दिया गया था। इसके बाद 2013 में शक्तिमान की एक मूवी भी आई थी, जिसका नाम हमारा हीरो शक्तिमान था, पर फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। पर अब जल्द ही आप और हम शक्तिमान को एक बार फिर से बड़े पर्दे पर देखने वाले हैं, जिसमें सोनी पिक्चर भी शामिल है।